मध्य प्रदेश के देपालपुर में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने आज देपालपुर में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने हमेशा क्षत्रिय धर्म का पालन किया। वे हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। वे सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर हमेशा चलते थे। वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि वह उनके आदर्शों पर चले और देशभक्ति समाज सेवा के सिद्धांत पर काम करे और सभी राजपूत अपनी कुल देवी की पूजा करें। इससे उनकी उन्नति होगी और उनकी सारी मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने क्षत्रिय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज ने देश की रक्षा का हमेशा धर्म निभाया है और देश में कई जगह महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की गई है। कृतज्ञ राष्ट्र आज महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से इंदौर में राजपूत छात्रावास बनाने के लिए क्षत्रिय समाज प्रयास करेगा। इस छात्रावास में क्षत्रिय विद्यार्थियों को उच्च कोटि की कोचिंग सुविधा भी निःशुल्क दी जाएगी। उन्होंने कार्यक्रम में घोषणा की कि देपालपुर में 1 करोड़ रुपए की लागत से वर्तमान पशु हाट मैदान का उन्नयन किया जाएगा। इस कार्य के लिए राज्य शासन द्वारा आवश्यक बजट दिया जाएगा। इसी प्रकार देपालपुर में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा कुंड भी बनाया जाएगा। राज्य शासन इसके लिए भी आवश्यक अनुदान देगा। उन्होंने कहा कि देपालपुर नगर परिषद कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भी राज्य शासन लगभग 1 करोड़ रुपए बजट प्रदान करेगा। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। हमारे पूर्वज हैं, जो काम उन्होंने किया है हमारे देश की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम सबको भी उसी आधार से काम करना होगा। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं, चाहे मैं मंत्री हूं या फिर जब मैं विधायक था, लेकिन सबसे पहले सुबह जो मेरे घर की कुलदेवी है मैं उनको पूछता हूं। हर दिन जो हमारे दादा परदादा है मैं उनको याद करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।